आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां पर राहुल गांधी रैली कर रहे हैं। मीटिंग में नहीं, एक दिन ऐसा होना चाहिए जो विधानसभा में लोकसभा में भी 50% इनके चेहरे दिखे, और कांग्रेस पार्टी में भी यहां भक्ता जी बैठी है मगर कांग्रेस पार्टी में भी 50% महिलाओं के चेहरे दिखने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बिना, महिलाओं को शक्ति दिए बिना ये देश आगे नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में हमने आपके लिए आरक्षण का बिल रखा, पंचायत ने आपको 50% आरक्षण दे दिया, लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखा। अब मैं आप महिलाओं से पूछना चाहता हूं, इस बिल को किसने रोका? विपक्ष ने रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो आपकी शक्ति से डरते हैं, वो चाहते हैं कि आप घरों में रहो और आप विधानसभा लोकसभा में न जाओ, आप सुखी रहो। मैं चाहता हूं कि आप बाहर निकलो, आप उद्योगपति बनो, आप यूनिवर्सिटी चलाओ, आप विधानसभा लोकसभा में आओ, चीफ मिनिस्टर बनो, प्रधानमंत्री बनो, तब ये देश बदलेगा। लोग सुपर पावर की बात करते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान को हमने सुपर पावर बनाना है। 50% महिलाएं इस देश में, बिना इनको शक्ति दिए सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो आने वाली सरकार आपको जगह देगी। शिक्षा में, विधानसभा लोकसभा में, राजनीति में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सब जगह आपको हम जगह देंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान को कौन चलाता है? ये जो इमारतें बनती है, जो उद्योग चलते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का युवा चलाता है। उत्तर प्रदेश का युवा एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़ देगा, प्रदेशों का बाकी देशों को पीछे छोड़ देगा। और वो भविष्य आप चाहते हो, मैं चाहता हूं, और वो दिन आएगा, आप देखना, वो दिन आएगा जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार होगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और फिर आप देखना उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कैसा बदलाव आता है। आजकल आपके लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मजदूरी करते हो। जिस दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, जिस दिन आप लोग खड़े हो गए एक साथ, हिंदू मुसलमान सिख हर जात के लोग एक साथ खड़े हो गए, उस दिन महाराष्ट्र के लोग यहां आएंगे रोजगार ढूंढने, मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, और सिर्फ पंजाब हरियाणा से नहीं आएंगे, अमरीका इंग्लैंड से आएंगे। ये ऐसा प्रदेश है, ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, और इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। आप प्रमोद तिवारी जी का शायद ऐसी मीटिंग मैंने प्रतापगढ़ में पहले नहीं देखी, मैंने नहीं देखी ऐसी मीटिंग, और शायद पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग यहां हुई। धूप का समय है, आप दूर दूर से आए, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो रोज हमें पसीना देते हैं अपना, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी बड़ी मीटिंग तैयार की। और मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हम जगह देंगे, विधानसभा लोकसभा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट, ज्यादा से ज्यादा हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप लोग हमें चुनाव जिताते हो, आज की सुनवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना सिंह जी कैंडिडेट जो है, आपको हम लोकसभा में देखना चाहते हैं,
और जीत के आइए।